अच्छा जी, और ये कितने का है? अच्छा जी, ये कराची की। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। क्या करिए भाई, बात कुछ ऐसी है कि एक्चुअली कराची में तो ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है और के इलेक्ट्रिक वालों का तो आपको पता है कि वो बिल भी उसी हिसाब से मिलते हैं। तो मैं जा रहा हूँ एयर कूलर के लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए। तो मैं इस बिहाफ पे भी जा रहा हूँ कि वहाँ पे जो रेट्स होंगे वो उसका भी आइडिया आप लोगों को हो जाए। अगर जो हजरात है जिनको चाहिए तो वो लोग भी वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं जाऊँगा गोदाम में, तो वहाँ पे रेट्स एज कम्पेयर टू मार्केट कुछ रीज़नेबल होंगे। तो चलिए चलते। ओके गाइस, तो मैं गोदाम पहुंच गया हूँ। ये एयर कूलर के हवाले से जो मैंने बताया आपको, तो ये है वो गोदाम और फर्दर डिटेल्स हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा जी अब्दुल्ला भाई, जैसे आपको पता है मैं अपने भाई के लिए कूलर लेने के लिए आया था, तो मैंने सोचा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखेंगे तो उनका भी कुछ भला हो जाए, क्योंकि आपको पता है जैसे गर्मी है तो गर्मी का तोड़ अभी कराची में तो एयर कूलर ही है, क्योंकि एसी के जितने बिल हैं वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपसे मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे बता दें कि एयर कूलर के आप लोग के पास क्या क्या प्राइजेज़ हैं। और जी, अच्छा सिर्फ एयर कूलर ही आपके पास या इसके अलावा भी कुछ और? एयर कूलर भी हैं और वाशिंग मशीन होती है सीजन के बाद। अच्छा जी, अभी नहीं है फिलहाल? अभी नहीं है। अच्छा चले, हम एयर कूलर्स देख रहे हैं, आप एयर कूलर्स दिखाएं मुझे। नहीं तो आपके पास सबसे कम रेट में कौन सा एयर कूलर है अभी? सबसे कम रेट वाला जी। अच्छा जी, और ये कितने का है? चार हज़ार। और अगर जिसको सप्लाई नहीं लेनी है? 1200 रुपया महीने। तो जो सप्लाई नहीं लेगा तो फिर वो इसको कैसे इस्तेमाल करेगा? अच्छा जी, अच्छा इसके बाद फिर और? अच्छा जी, ये कराची की। अच्छा जी, ये भी 4800 का बता रहे हैं? अच्छा जी, तो ये बेहतर है, पहले से बेहतर है? पहले से बेहतर। अच्छा जी, और इसके अलावा इसके प्राइस क्या है? 4800। ये भी 4800। अच्छा, इसके बाद? इसके बाद ये जब्बो मॉडल। अच्छा जी, ये आपको मिलेगा 7500। अच्छा जी, ये 7500 का बता रहे हैं? अच्छा जी, इसमें आइस बॉटल लगती है, उनमें लगती है आइस बॉटल? अच्छा जी, वो कितने की हैं? वो आपको मिलेगी 200 रुपये। उनमें नहीं लगती जो छोटे हैं? नहीं। अच्छा, और ये सप्लाई के साथ आप बता रहे हैं 7800? 7500। अच्छा, इसके बाद? इसके बाद हमारे पास ये मॉडल है 13000। अच्छा जी, इसके ऊपर भी आइस बॉक्स लगता है। ठीक है, ये भी आप लोग खुद बना रहे हैं? अच्छा जी, अच्छा इसमें कितनी आइस बॉटल लगती हैं? दो है। इसमें भी ये आपको मिलेगा बगैर बोतलों से 13000 सप्लाई के साथ, और बगैर सप्लाई के 1200 रुपये महीने। अच्छा जी, 1200 महीने। और जो आइस बॉटल के साथ एक एक बॉटल कितने की दे रहे हैं आप? 200 रुपये। सही। अच्छा, इसके बाद? इसके बाद, अच्छा अगर किसी का एयर कूलर ख़राब हो वो ठीक करवाना चाह रहा हो वो भी कर देते हैं? अच्छा, तो उसके क्या चार्जेस हैं? अच्छा, और अगर कोई पार्ट ख़राब होता है? सही। अच्छा, इसके अलावा क्या बता रहे हैं आप? इसके अलावा 4000। ठीक है, ये आपको मिलेगा 9500। अच्छा जी, ये जो पिछला दिखाया उससे बड़ा है? अच्छा, इसमें आइस बॉक्स नहीं? सही है। ठीक है, ये आपको मिलेगा 11500। अच्छा जी, 11500। इसमें आइस बॉटल की सहूलत है? सप्लाई के साथ बता रहे हैं? सही। अच्छा, अपना एड्रेस भी बता दें, अगर किसी को यहाँ पर आना है तो कैसे आना होगा? ये हमारा
एक मोड़ से न्यू कराची गोधरा जी, गोधरा से मुझे थोड़ा सा आ गया। फिर किस नाम से गोदाम? सुपर नेशनल गोल्ड रोम SNG। और अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहे तो कोई नंबर? नंबर बता दे 0387-72-258। ठीक है जी, ओके गाइस, तो आई होप ये वीडियो आप लोग के हेल्पफुल रहेगी, और जो लोग चाहते हैं कि उनको एयर कूलर की ज़रूरत है तो उनसे ज़रूर रब्ता करें। तो ये एयर कूलर हमने लिया है, ये हमें मिला है 7,500 रुपये का, और दो बॉटल्स ली हैं आइस की जो कि ईच मिली है 200 रुपये की। इसके साथ जो चीज़ें आई हैं वो है सप्लाई इसकी, और सप्लाई 12 वाट की है। अगर आप बग़ैर सप्लाई के चलाना चाहें तो आप इसको बैटरी पर भी डायरेक्ट चला सकते हैं, और अगर आपके पास सोलर का सेटअप है तो आप इसको सोलर पर भी चला सकते हैं। तो चलें मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ आज की, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।